Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fit and fine and taking good care of yourself. As you know, coronavirus is spreading very fastly. So, you should take care of yourself. Okay? Yes, beta, aap log apni induction classes ko acche se enjoy kar rahe ho, अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपने बेटा अपनी इंडक्शन क्लास में स्मार्टली ड्रेसअप होकर बैठना है. क्लियर? तो उसके लिए बेटा आपकी शर्ट के बटन्स बंद होने चाहिए प्रॉपर्ली. ओके? तो मैम आज आपको ये बताएंगी कि हाउ यू कैन बटन एंड अनबटन योर शर्ट. लिए हमने एक शर्ट ली है. देखिए इसमें बटन्स गिवन है. These are the buttons. Okay? अब मैम आपको buttons बंद करना सिखाएंगी. यहां पर देखिए इसकी second part पर एक hole given है. There are two parts of this shirt. ये हमारा first part है और ये second. तो second part में बेटा एक hole given है. ये देखिए सभी buttons के लिए अलग अलग hole है. See? तो हम इसको कैसे close करेंगे? First of all, hold this button. Then push this button into this hole. And again from the back side pull this button. सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए दोबारा से हम इस बटन को होल के अंदर पुश करेंगे और फिर दूसरी साइड से इस बटन को पुल करेंगे. तो इस तरह से हमारी शर्ट के जो बटन्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे. देखिए अब मैं आपको अनबटन करना सिखाऊंगी कि आपने बटन्स को कैसे ओपन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल होल्ड दिस बटन. इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और इस बटन को होल के इनसाइड पुश करेंगे और इस साइड से इसको पुल कर लेंगे. तो इस तरह से हमारा जो बटन है वो ओपन हो जाएगा. देखिए दोबारा हम इस बटन को होल में पुश करेंगे. देन इस साइड से हम इसको पुल करेंगे तो ये बटन हमारा ओपन हो जाएगा. बेटा आपकी पैंट्स में, आपके शॉर्ट्स में इस तरह के हुक्स होते हैं ना. कई बार आपको बंद करने में प्रॉब्लम होती है तो आज मैम आपको बता रही है कि आपने इसको कैसे हुक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस हुक वाले पार्ट को पकड़ेंगे और इसके अंदर डाल के इसको पुल करेंगे. तो इस तरह से ये हुक जो है क्लोज हो जाएगा. अब इसको अनहुक कैसे करेंगे? नाउ इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को पकड़ेंगे और इसको आगे की तरफ पुश करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे. इस तरह से हम हुक को अनहुक कर सकते हैं. सुषमा मैम विल टेल यू समथिंग अबाउट महावीर जयंती एज टुडे इज महावीर जयंती. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आज हम एक और फेमस पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी के बारे में जानेंगे. बच्चों 25 अप्रैल को महावीर जी की जयंती है. महावीर जी जिन्हें जैन धर्म के 24th यानी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है. आज जैनिज्म एक फेमस रिलीजियस सेक्ट है जिसका क्रेडिट महावीर जी को दिया जाता है. बच्चों इनका जन्म 6th century में इंडिया की बिहार स्टेट में हुआ था. इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था. और जानते हैं इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था वर्धमान, जिसके मायने होते हैं बढ़ाने वाला. और इनका यह नाम रखने के पीछे एक विशेष कारण था. जब महावीर जी का जन्म हुआ तो इनके पिता के राज्य में सब और खुशहाली थी और पूरा राज्य बहुत रिच था. और इनके पिता का ऐसा विश्वास था कि उनका पुत्र राज्य और भी शक्तिशाली बनाएगा, इसलिए उन्होंने इसका नाम प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला वर्धमान रखा. और ऐसा हुआ भी. एक राजकुमार होते हुए महावीर जी प्रजा के प्रति बहुत दयालु थे. उनके दुख में दुखी और उनके सुख में सुखी होते थे. लोग इन्हें
इनके पिता की तरह ही बहुत प्रेम करते थे। और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने भगवान के दर्शन के लिए घर छोड़ दिया और जैन धर्म के प्रचारक बन गए। इसी कारण आज जैन धर्म में इनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाता है और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, तो अब आप जान गए कि महावीर जयंती हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा।